शहर में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पहले जहां सर्दी खांसी 3-4 दिन में ठीक हो जाती थी, वहीं अब इलाज के बावजूद लंबे समय तक इन मौसमी बीमारियों से लोग परेशान रहने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने से न सिर्फ व्यक्ति जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाता है, बल्कि उपचार के बावजूद उसे पूरी तरह ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस ऑर्गेनिक च्यवनप्राश को तैयार किया है। रोज इसे लेने से हर उम्र के व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होता है और वो मौसमी बीमारियों से बचा रहेगा। यह बात शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर एडमिन मनीषा सोजतिया ने कॉलेज में लंबी रिसर्च के बाद बनाए गए ऑर्गेनिक च्यवनप्राश के पब्लिक लॉन्च के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इस च्यवनप्राश को कॉलेज में पिछले 10 सालों से बनाया जा रहा था। अब पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमने इस ऑर्गेनिक च्यवनप्राश को शहर की आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मंत्र का अनुसरण करते हुए हम इस च्यवनप्राश को शहर के वृद्धाश्रमों में निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही शहर के अन्य प्रमुख स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगा। मैं निवेदन करूंगा साथ ही डॉक्टर शरद पंडित जी से कि वो मंच पर आए और च्यवनप्राश विमोचन के साक्षी हो। कॉलेज की फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि च्यवनप्राश बनाने की विधि का वर्णन हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में किया गया है। वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मानते हैं कि च्यवनप्राश में मौजूद आंवला, दशमूल, शतावरी, गिलोय, वंशलोचन, पिपली, इलायची और तेजपत्ता जैसे हर्ब्स इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं। हम इन सभी जड़ी बूटियों को अपने खेतों में ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर अपने रजिस्टर्ड फार्मेसी में पूरी तरह हाइजेनिक कंडीशंस में च्यवनप्राश बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। आयुर्वेदिक का सिद्धांत है रोकथाम इलाज से बेहतर है। हम आज जितना खर्च बीमारी होने के बाद उसके इलाज पर करते हैं, उसका सिर्फ 10% हिस्सा यदि हम अपनी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए खर्च करें तो हम कई रोगों से बच सकते हैं। इस च्यवनप्राश में किसी भी तरह का मेटेलिक कंटेंट भी नहीं है, इसलिए किडनी पेशेंट के लिए भी सेफ है। चूंकि यह शास्त्रोक्त विधि से बना है, इसलिए शुगर पेशेंट भी डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि च्यवनप्राश को लेने का यह सबसे सही समय है। सुबह खाली पेट है, सुबह सुबह 2 चम्मच च्यवनप्राश लेने से कम आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। इससे च्यवनप्राश में मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शरीर में अच्छी तरह अवशोषित हो जाते हैं और आपको इसका पूरा फायदा मिलता है। यदि यह नहीं कर सकते हैं तो सुबह शाम 1-1 चम्मच इसका सेवन करके भी आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग श्रीमती सुचिता तुर्की बेग, दिल्ली कॉलेज समिति सदस्य श्री धीरज लुल्ला, श्रीमती प्रिया लुल्ला एवं स्वास्थ्य विभाग के पूर्व संयुक्त संचालक श्री शरद पंडित, डॉक्टर गजेंद्र जैन, प्रोफेसर अष्टांग आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अजीत पाल सिंह चौहान, अष्टांग आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं डॉक्टर दास अधिकारी प्रोफेसर अष्टांग आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उपस्थित थे। पूर्णतः एक जीवन शैली है। आज मैं जब सारा ये देख रही थी प्रदर्शनी, जो भी मॉडल आपने बनाए हैं और जो लड़के जिन्होंने हमें बताया है, मुझे बहुत खुशी हुई कि हिंदी में बोलो हाथ से लिखा हुआ अच्छे से बता रहे थे। जो आपने इक्विपमेंट उसके माइक्रो जो भी मॉडल बनाए हैं वो भी सारे बहुत, उसको देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं 400-500 साल पुरानी
युग में चले गए देखकर उसको अच्छा लगा। क्योंकि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी जो जीवन शैली है उसमें पूरा रहने का जो तरीका है वो मैंने बीमारियों से भी सीखा है, लेकिन ज़्यादा समय तो मेरा बताया गया मैंने आदिवासी लोगों से उनके साथ रहकर बहुत सीखा है। मैंने 302 रात झाबुआ जिले के 302 गाँव में तब गुजारी थी 1986 में 85 से शुरू करके, जब वहाँ नारू की बीमारी थी। हर मरीज जिस घर में नारू का था उस घर में मैं रात रही थी। एक्चुअली शुभदेव आयुर्वेदिक कॉलेज में काफ़ी समय से हम लोग च्यवनप्राश बनाते आ रहे हैं और वो सिर्फ हॉस्पिटल के लिए ही अवेलेबल रह रहा था, बट जब हमने यहाँ पे हॉस्पिटल पे पेशेंट पर उनका इफ़ेक्ट देखा और ये सब चीज़ें देखा तो हमें लगा कि ये मार्केट में हमें बाहर लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि ये फुली ऑर्गेनिक बेस्ड है। इसमें हमने सेफ्रॉन और ऑर्गेनिक आंवले और ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों का यूज़ किया है। और रहा स्टूडेंट्स का, तो उन्हें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें किस तरह प्योरिटी के साथ मेडिसिन में और फार्मेसी में वर्क करना चाहिए। मैडम आज गेस्ट कौन थे इस पूरे हमारे मेन चीफ गेस्ट उत्तम स्वामी जी महाराज थे, बट वो किसी कारणवश उनकी फ़्लाइट डिले हो गई और वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, बट स्वामी जी का है कि वो कल हमें यहाँ पर कॉलेज में विजिट कर हम सबको एक अपना आशीर्वाद और एक ब्लेसिंग ज़रूर देंगे। और हमारी मेन आज की गेस्ट थी जनक पलटा दी।